15 मिनट डिस्कस कर सकते हैं मीन बाइल पीपल आर जॉइनिंग अस चेतन जी अजय जी महेंद्र जी एंड शिवानी जी आप में से किसी की कोई क्वेरी है चार लेसन में तो पांच मिनट हम डिस्कस कर सकते हैं सर रिकैप करने की ट्राई कर रहे हैं जी रिकैप करने की ट्राई कर रहे हैं नहीं रिकैप कर रहे हैं रिकैप का मतलब है कि बस वो यादें ताजा कर लैंडिंग so, पेज वाला था ना वो

ओके okay. और वो मैंने अटेंड किया तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने वो कोर्स ऐसे बीच में ज्वाइन कर दिया oh, कल कल से कल से लेकिन मेरे पास वो पहले वाले वीडियोस चुके हैं मैं नोट कर लेता हूँ यस सर यस सर और मुझे क्या पूछना था वही कनेक्शन ईमेल से आपने कल वो जो वेबसाइट बनाने को सिखाया उसमें एक ऐसे लेसन डिजाइन करने को बोला और वो लेसन डिजाइन करने के बाद उधर एक बाजू में एक बटन था आ, प्राइस का है ना तो वो प्राइस का बटन हम कैसे डालते हैं दैट इज वन और दूसरा ये जो हमारा लैंडिंग पेज जो है वो हमने कैसे मेलचिम में सीखा है तो उसको हम वेबसाइट में कैसे डाल सकते हैं

हाँ तो उसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे वेबसाइट से वेबसाइट से कनेक्ट करने के लिए आ, वहाँ एक लॉजिक है कि किसी भी एक न्यू पेज को क्रिएट करो आप अपनी वेबसाइट पर न्यू पेज एंड दैट न्यू पेज शुड कंटेन द कंटेंट्स ऑफ एनी वन प्रोडक्ट फॉर विच यू आर गोइंग टू क्रिएट वन कैंपेन अच्छा okay. वहाँ पर पूरा मटेरियल रखा एंड देन यू पुट A single form there: name, email ID, phone number, date of birth, whatever okay. you, whatever data you want to have from okay. the Okay. Have the link of that particular page and start putting this uh, link in your advertisements at social media platform. Then people will open your website through that particular link, and only one page will get opened there. Okay. Okay. They will see the uh, whole details, whatever you have put over there and kill okay. the form so this okay, okay. Ha, this single page will work as a landing page and now mm -hmm. this page will be part of your website means it's be your website okay and now in today's case when we are creating this landing page somewhere else not at your website mm -hmm. then this is opened somewhere else at the platform at which you have created mm -hmm. and for a visitor it doesn't matter where it is opening so okay.

वो तो आपको नहीं मिलेंगे वीडियोस हैं पर वो आपसे पहले पास्ट में हैं तो वो उनको एक बार रिफ्रेश करके आपको डाल देंगे ओके सर थैंक यू सर ओके ग्रेट और किसी की अभी तक कोई क्वेरी है मैं लैंडिंग पेज चेतन जी ने कहा है मैं वापस लूंगा एक बार तो यस yes. आज तो हम बहुत सारे लोग हैं क्लास में या विनोद जी भी हैं एंड वेंकटा कृष्णा जी भी हैं एंड प्लीज यू हैव एनी क्वेरी जस्ट पुट योर क्वेरी सो दैट आई कैन टेक

चेतन जी आपकी आवाज कट गई माफी जाऊंगा जी हाँ अपना, या, मैंने बोला अपना जो लैंडिंग पेज को जो ऑटोमाइजेशन करते हैं ना हाँ तीसरा 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 क्लास जो हमारा था ठीक है क्लास जो ऑटोमाइजेशन उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था सर मैं क्लियर नहीं हो रहा था मैं एक बार वापस लेके चल रहा हूँ लैंडिंग पेज क्लियर है लैंडिंग पेज क्लियर हाँ तो मैं मैं सारा स्टेप एक बार वापस लेके चल रहा हूँ फार so, so अभी तक हमने चार क्लास की है और ईमेल ऑटोमेशन के तीन मेन पार्ट हैं तीन मेन पार्ट मींस द फर्स्ट पार्ट इज क्रिएटिंग अ लिस्ट मींस इन केस यू हैव सम ईमेल लिस्ट विद यू यू हैव ईमेल आईडीज ऑफ पीपल बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स कस्टमर्स यू कलेक्ट ऑल दोज ईमेल आईडीज एट वन प्लेस एंड पुट इट इन एक्सेल फाइल एंड देन व्हेन यू हैव योर ईमेल आईडी देन यू Put this in an uh, email system. So, email systems are so many email systems available online. Email system means a particular software, particular application which can, automize, which can automate your emails, email uh, services. First thing, first component, first factor, first content, you have to have your email IDs. In case that is with you, and then what you should do, select one of your email uh, system. So a lot of email systems are available. I'm going online. So uh, email systems online for business. So you'll get Joho, Outlook, Mail, Yahoo. So that is different. Apart from this, there is email, bulk, email, automation systems online and best bulk email systems online. This is the list of those active campaign, Mooshand, Hubspot, Omnisend, Resigner, ConvertKit and you will see a good list over there.

best is recommended to start as a free trial that is mailchimp why mailchimp because it allow you to send 10000 emails per month for free ye aapko 10000 email ek mahine mein free mein jaane dega automations ke sath तो आप इसे फ्री में जब तक आप अपनी पूरी लिस्ट बिल्डिंग नहीं हो जाती जब तक आपका ऑटोमेशन इन प्लेस नहीं हो जाता till that time you need not to spend any money on it. तो ये एक मेल चिंप है मेल चिंप पर आपने एक अकाउंट क्रिएट किया अकाउंट क्रिएट करने के बाद वॉट यू डिड सो ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव अ आर यहां सबसे पहले ऑडियंस डैशबोर्ड है एट द टाइम ऑफ ओपनिंग इट वेन एवर यू लॉग इन इन इट पहले साइन अप करना पड़ेगा फिर आपने लॉग इन किया लॉग इन करने के बाद अब आपको क्या करना है यहां से अपना ऑडियंस क्रिएट करना है ऑडियंस क्रिएट करना इंपोर्ट कॉन्टेक्ट इम्पोर्ट कॉन्टेक्ट में जाके आपको अपना जो भी फाइल है विच इज कंटेनिंग ई मेल आई डीज दैट यू हैव टू इम्पोर्ट इन दिस सिस्टम सर हम अलग 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 कोर्सेज के लिए अलग अलग ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं क्या कर सकते हैं यस यू कैन डू इट वो कैसे करेंगे सर आ, वो इसका पेड फॉर्मेट for, है यानी प्रीमियम वर्जन में कर सकते हैं अच्छा फ्री uh, बैटरी but... तो फिर सब इसमें मिक्स हो जाएगा अगर एक ही में रखेंगे तो हाँ नहीं फ्रॉम अवर लैपटॉप वी हैव टू अपलोड टू दैट पर्टिकुलर साइट यू आर टॉकिंग यस मैं द एक्सेल फाइल ऑफ ईमेल कांटेक्ट्स यस जस्ट अ मिनट आई एम आंसरिंग योर क्वेरी इन केस यू हैव वन थाउजेंड ई इन योर ई लिस्ट देन यू कैन अपलोड इट इन वन गो दैट विल बी स्टोर्ड इन योर कॉन्टेक्ट लिस्ट

तो मेरा ये पहला स्टेप खत्म हो गया फर्स्ट स्टेप वी हैव इंपोर्टेड वी हैव इंपोर्टेड आई ईमेल आईडीज इनटू द सिस्टम यहां तक क्लियर है देन द नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट्स एंड इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी हैव टू डू वी हैव टू ग्रो आर दिस मीन्स द फोर सेवेंटी आर प्लीज आप अपने माइक्स पर कंट्रोल रखें दूसरों को इनकन्वीनियंस क्रिएट ना होने दें एंड ये लिस्ट इनफ लिस्ट नहीं है इट माइट बी 2000 थाउजेंड लैक्स कहीं तक भी ये लिस्ट जाएगी अब हमें क्या करना है हमें एक लैंडिंग पेज क्रिएट करना है लैंडिंग पेज मींस अ पेज विच विल बी यूज्ड एज अ कंटेनर ऑफ होल इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विसेज एक मिनी वेबसाइट क्रिएट करनी है और उस मिनी वेबसाइट का लिंक हमें अपने एडवर्टीजमेंट के साथ ऑनलाइन मीडिया पर रन करना है और उसको देखने के बाद जब लोग वहां उसको देखने के बाद लोग जब उससे इन्फ्लुएंस होंगे अट्रैक्ट होंगे तो वो आपसे और इंफॉर्मेशन चाहेंगे आप उसमें अपने ऑफर्स रख सकते हैं उन ऑफर्स से के थ्रू आप लोगों की ईमेल आईडी कलेक्ट करेंगे जैसे कोई ईमेल आईडी कलेक्ट करेगा ईमेल आईडी फिल करेगा आपके सिस्टम में वो ईमेल आईडी ऑटोमेटिक ऐड होती जाएगी तो सर आई एक्सेल फॉर्म इट इज वी हैव टू अपलोड राइट यू कैन अपलोड विद नेम अपलोड जस्ट ऑल शुड बी इन वन सिंगल कॉलम राइट No, so I'm just going to show you how this uh, gets stored. So this is the list, and wherein there are different columns: email address, first name, last name, phone number, word day. So these four, these uh, five columns you should keep over there. In case you want to have a specific format for this, then what you do? Export your audience outside. Export your audience.

So you can export. So these are uh, five twelve members here. Now I'm selecting it and I'm exporting it. Uh, so what is export as CSV? CSV means is the format mm -hmm. name of the file. Like mm -hmm. in Excel yeah. file, it remains mm -hmm. abc.xls, dot Where is CSV means comma delimited. It's a, a format for saving. Context. so it accept all the forms uh, <clears throat> all the types that is excel word or whatever it is only no. <clears throat> excel so, and in case you have excel file then what you will do you have to save this file in the format csv in the format column you will go and there is one option csv in bracket comma delimited इन दट फॉर्मेट इट इल एक्सेप्ट द कॉन्टेक्ट अदरवाइज इट इल नॉट एक्सेप्ट कॉन्टेक्ट में आपने बोला दो लाख डेटा जो है उसका वो सेव करेगा लेकिन यहाँ पर हम लोग ने फ्री वर्जन में देखा तो मैक्सिमम दो हजार डेटा ही एक्टली फ्री वर्जन जस्ट आपका सिस्टम डेवलप करने के लिए है फ्री वर्जन इज टू मेक यू हैबिचुअल

हाँ, नहीं पेड वर्जन में फिर उनकी लिमिट है टेन थाउजेंड के लिए इतना पैसा है के लिए इतना पैसा है, वन लेक के लिए इतना पैसा है वो डिपेंड करता है कितने कॉन्टेक्ट के साथ ऑटोमेशन करना चाहते हैं आप वो बढ़ता सर, है सर मेल चिम्प में, में इम्पोर्ट कैसे करेंगे कौन से बटन से करेंगे ईमेल्स मैं बता रहा हूँ एक मिनट आपको मेल चिम बता रहा हूँ इम्पोर्ट करेंगे जस्ट ए मिनट यस दिस इज मेल चिंप सर पहले कंप्लीट करेंगे सब कंटेंट और फिर क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे यस नहीं मैं पहले अभी रिकेप कर रहे हैं अभी ये सिर्फ ये पिछला मैटर है ये ऑडियंस डैशबोर्ड है हमारा ऑल कॉन्टेक्ट इन दिस ऑल टेक्ट अगर आपको इंपोर्ट करना है जस्ट ए मिनिट ऑडियंस डैशबोर्ड में एट द राइट साइड ऑन द एक्सट्रीम राइट यू विल सी अ कॉलम इज देयर मींस ओके ओके सर देन एड अ सब्सक्राइबर इंपोर्ट कॉन्टेक्ट नाउ विथ दिस बटन इंपोर्ट कॉन्टेक्ट यू विल हैव टू अपलोड अ फाइल फाइल बी इन दम ऑफ सी एस बी और टी एक्स टी फाइल और यू कैन कॉपी एन पेस्ट दियर कॉपी पेस्ट लाइक दिस परमा करके करना होगा या डायरेक्टली नहीं आप डायरेक्ट ही कर सकते हो जैसे ई मेल एड्रेस फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस In char format enter at least one contact to continue. And uh, how many contacts at a time we can uh, copy and paste. So this then, then can be copied and pasted in one go. You hi, you can do uh, I mean uh, 10 20 50. So there is no as such limit, but the limit is that uh, you can uh, have 2000 contacts maximum in this system for free. In case it goes beyond that, it will not work. So, and better you copy and paste, uh, I mean, individual or 10, 20s, multiples. Otherwise, it will create a mess here and you would not be able to find out where is the problem. So, that you can do it. The 2000 uh, for one time uploading or uh, uh, how is it like? Me? Or per month, or per day, or per mail. Is there is anything wrong. 2000 is the limit for keeping contacts in this particular system for free. MailChimp will okay. not ask any payment from you to keep your 2000 email IDs there in the system. And uh, on those email uh, 2000 email IDs, you can send 12,000 10,000 emails in a month. Means contacts limit is 2000, but sending emails. That is ten thousand in a month. So if your means five mails for this two thousand, that way we can. do On it. average, or, or you can send ten thousand emails to one thousand people, and four thousand you need not to send. In case you have your campaign like this, that you want to send emails to uh, one thousand people out of those uh, two thousand, then you can send. So then average would go to the ten people, uh, ten times like that. Ten times, yes. So that will go like that. And anything more than ten thousand, we need to pay. Yes, you need to pay. Okay. So this, but, uh, this is the contact creation, list creation option, and beyond this, if you have created your list, now you have to create a landing page to grow your list. So how this landing page is gets created? So you have to go to create. Uh, just uh, yes, create is at the second option.

ईमेल आईडी मतलब आपका जो ईमेल जाएगा मान लिया आपको आपने प्लान खरीदा टू थाउजेंड और वहां से एक लाख ईमेल मेल भेज तो लाख ईमेल चाहे आप एक दिन में भेजो वेदर यू सेंड वन लैक ई मेल इन वन डे और थर्टी डेज एंड दैट विल नॉट बी इश्यू इट विल अलाउ यू टू सेंड ई मेल इवन वन लैक ई मेल यू कैन सेंड इन सिंगल डे सो इट विल अलाउ बट दई डी विच इज गोइंग देयर

बट आपके नाम से जाती है और जब भी कोई उस ईमेल पर रिप्लाई करेगा ऑल ईमेल्स बी डायरेक्टेड टू योर ईमेल वो ऐसे चल आई थिंक दैट्स क्लियर टू एवरीबडी क्लियर सर वो मैं आपको अभी और आगे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं नाउ इन क्रिएशन What you can create email, customer journey, email template, multi channel design, landing page, survey, ad, social post, sign up, contacts, image, postcard. Now you need not to get confusion here. What you have to create here either email template or landing page. Either you create an email, email template, or landing page. Now we are discussing landing page, how it gets cre uh, created. Just go to landing page. Landing page, you can put any name of it like uh, email automation. I've given the name to this. Now, in the second column, it will ask you this landing page is being sent to whom? Means which is the category of people out of your contacts which this uh, landing page is to be created? So I have one audience only. Audience means the list. People trainers in the name of people trainers I have selected it. With free version, it will give you only one audience. And with paid version, you can create n number of audience there. Abhi yehua. Now I'll go to begin. And now there are multiple landing page templates in your system. You can choose any one of them based upon your requirement for lead generation payment accept or awareness so that you can select grow your promote your product accept payment any option you can choose from here in case you go with this lead generation you went over there and now this has a designer Format, I mean, you can design it, you can edit it, you can put your logo, you can put your images. So, whatever you want to change, you can make the changes and then save and close. Save and close. And if you think that it is okay, then you should publish it.

We have uh, sent a landing page in mm. the bulk email. Suppose mm. my system being switched off mm. at the time, the people try to get into the link. Will they be getting the landing page to uh, 100%, visible? Hundred percent, because this landing page is not getting stored on your system. It okay. Sorry for uh, asking a primitive question. Yeah, no, not a, not a problem. It's uh, really your right to ask a question, but. Uh, the whole working is taking place in cloud only and at the time of creation only your system is being used for that purpose only. otherwise, uh, no any memory of your system is being used uh, for this. and mailchimp server is being used for this. so you need not to be buried. the whole process will get, get stored over there. and whenever you will connect your system with the internet and open and access this mailchimp account, you will get all mm -hmm. stored over there.

देर इज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग एक और इम्पोर्टेंट uh, बात है जो मैं आपको शेयर करूं ये जो लिंक अभी दिखाई दे रहा है इसमें मेल चिंप लिख के आ रहा है एंड देर इज समिंग एल्स आपका नाम और कुछ लिख के आ रहा है तो इसको देखने से यह पता नहीं चलता वॉट परपज फॉर वॉट पर्पज दिस लिंक इज बींग बट इनकेस यू आर गेटिंग द पेड वर्जन ऑफ ई मेल देन यू कैन बुट योर डोमेन नेम देयर आप अपना कोई डोमेन नेम लगा सकते हैं जैसे peopletrainers.in तो आपका नाम से भी ये लिंक क्रिएट हो सकता है तो आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट नाउ सर हमारे डोमेन अलग-अलग जगह हम लगा सकते हैं इसे ईमेल को भी और हाँ, वो डोमेन को वेरी कर जाता है डोमेन की कॉपी हो जाती है सब डोमेन बन जाता है सब डोमेन आप यूज कर सकते हैं वहां यू कैन यूज सब डोमेन्स देयर ओके okay. तो यहां ये मेलचिमप अकाउंट क्रिएट हो गया जिसको आपने लाइक ये कॉपी किया कॉपी करके आपने इसको कहीं अपने किसी एड के साथ रन किया अब ये लिंक बन गया जब भी आप उस पर क्लिक आपको ये ओपन होगा और इस पर नीचे इन केस योर कंटेंट इज अट्रैक्टिव एंड पीपल आर गेटिंग इन्फ्लुएंस विद इट देस आई एम फिलिंग दिस ई मेल आई डी एंड इफ आई एम सब्सक्राइबिंग इट नाउ यूल सी इन माई ऑडियंस एक आदमी बढ़ जाएगा मीन्स द सब्सक्राइबर विल गेट इनक्रीज नाउ इट हैज बिकम फोर सेवेंटी सिक्स तो एक ई मेल ऑटोमेशन लैंडिंग पेज दिसंबर सिक्स बिजिट वन क्लिक जीरो सब्सक्राइबर वन इनकेस यू ऑल्सो विल पुट आप सब अपनी ई मेल आईडी प्लीज लिखेंगे उस पर तो इट विल कम टू माई ऑडियंस डो प्लीज देअर

तो अपनी लिस्ट को जाएंगे चेक करेंगे पेड वर्जन में इरली रहता है या मंथली रहता है सर हाँ मंथली रहता है ये देखिए यहाँ ये ट्रैकेट आ गया जाशू आ गया गौतम जी का आ गया मेरा भी आ गया हम्म ये आपकी लिस्ट क्रिएशन होती जाएगी यहाँ आप अपने कॉन्टेक्ट लेते जाएंगे यहाँ आपको सारे कॉन्टेक्ट यहाँ दिखाई देते जाएंगे किस डेट को कौन ऐड हुआ है दैट आल्सो ये देखिए ये चार लोग ऐड हुए मेरा नहीं दिखाएगा बिकॉज आई एम ऑलरेडी मेंबर मैं पहले से मेंबर हूं इसलिए उसने मेरे को नहीं दिखाया आप लोगों ने आज ये इस टाइम पर इनका टाइम अलग आएगा छह को ईमेल ऑटोमेशन के लैंडिंग पेज के थ्रू चार लोगों ने सब्सक्राइब किया ट्रैकेट इंडिया जासू थर्टी सेवन गौतम के एच सेवन एंड स्मार्ट संतोष 74 फोर yes, यस uh, चेतन जी यू हैव अ क्वेश्चन प्लीज सर ये जो इसमें जो जैसे वो स्टार्स कैसे बढ़ते हैं मतलब मान लीजिए जो आपका Uh, तो रेटिंग आपके साथ चलेगा, तो इसकी तब बढ़ती जाएगी। आपके साथ ईमेल ऑटोमेशन पे कम्युनिकेशन जब जारी होगा तब रेटिंग होगी मतलब जितने ज्यादा हम ईमेल खोलेंगे या यूज करेंगे उतना ज्यादा वो उसका रेटिंग हमें जो वो वो वाला पर्सन का बढ़ते जाएगा yes absolutely right thank you sir. So, so landing page is complete email list creation is complete landing page creation is complete you are spreading awareness of your product or service in the mass in the public through media advertisement placements and this landing page free of cost is spreading awareness is promoting your product your services and the people who are getting influenced with your product or service they are by their choice by their willingness filling their email id into your system and becoming your subscriber for lifetime till the time they do not get annoyed from your emails and unsubscribe you from your system so the people by their choice are becoming your tribe your community your customer base means your prospects base so this is wonderful facility to use and this is available almost free of cost so everyone of you should start creating landing page and putting it in your uh, campaigns wherever you are running so that is the beautiful part of this email automation and the third thing which is uh, really uh, more creative and more beneficial that is as soon as the person fills the email id and becomes your subscriber by their choice immediately your email system send one welcome and onboarding email in their box and without asking you anything there is no manual intervention Automatically the system will create a welcome email to that person which has uh, subscribed and given email ID into your system through that landing page. How it वो कैसे जाएगा sir हाँ वो कैसे जाएगा? अभी जितने भी लोगों ने आपने चार लोगों ने मुझे fill किया है, आपको चार लोगों को in next 45 minutes में आपके inbox में एक email आ गया होगा या आ जाएगा. Either it go immediately. थर्ड पार्ट ऑफ ईमेल ऑटोमेशन ये तीसरा हिस्सा ई मेल ऑटोमेशन का पहला लिस्ट बनाना दूसरा लैंडिंग पेज बनाना एंड तीसरा है ई मेल क्रिएट करना नाउ इट विल है मैंने क्या किया हुआ है आई ऑलरेडी हैव

अब यहां मैंने बहुत सारे ईमेल्स क्रिएट किए हुए हैं कैंपेन्स क्रिएट किए हुए हैं और वो किस किस लैंडिंग पेज पर रन होंगे वो डिफरेंटली यहाँ कर सकते हो आप एंड इट इज नॉट नेसेसरी गो टू एवरीथिंग एंड यू कैन मेक इट टू सेंड टू एवरी वन ऑल्सो अब यहाँ मैंने एक वेलकम ईमेल क्रिएट किया है नीचे विल सी यह है न्यू वेलकम ईमेल अगस्त में मैंने क्रिएट किया था एंड इट इज रनिंग 27 लोगों ने ओपन किया है अभी तक 10 क्लिक्स उस पर हुई है सिंगल वेलकम ईमेल है और सिंगल वेलकम ईमेल नीचे दूसरा एक वेलकम ईमेल मैंने रन किया था वो 48 लोगों ने ओपन किया है सर हाउ टू क्रिएट दिस वेलकम ईमेल आई एम गोइंग टू दैट आई एम गोइंग टू दैट पॉइंट्स अभी आप सिर्फ ये देख लें एंड यू विल हैव द रिपोर्ट ऑफ इट हाउ मेनी पीपल हैव ओपन इट हाउ मेनी हैव क्लिक्ड ऑन इट एंड हाउ मच टाइम्स इट गॉट बाउंस्ड वो सब यहां आप देख सकते हो अब ये ईमेल क्रिएट कैसे होता है सो जस्ट गो टू क्रिएट एंड नाउ ईमेल क्रिएट एन ईमेल जस्ट पुट द नेम ऑफ इट so i am putting email automation batch 3 begin oh sorry i made a mistake i made a mistake so have to stop it here now create email now

A beautiful option is here in automated version. In automated version, it gives you so many options email subscribers when they are tagged. If you have email subscribers and in case you change their tag, it will send automatically an email which you are going to create now. Second, welcome new subscribers. In case you have

फिर एक महीने के बाद उसको एक चौथा ईमेल चला जाए जब तक वो आदमी आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं कर लेता तब तक की सीरीज आप बना के रख दो और वो आपको, वो आपको आपको ईमेल ईमेल उसको मिलते जाएंगे सर 15 दिन पहले आपके पास आया था आपको, आपने ओपन नहीं किया ये दूसरा ईमेल है जिसमें आज ब्लैक फ्राइडे है आप चाहो तो हमारे प्रोडक्ट फिफ्टी परसेंट कॉस्ट पर ले सकते हो आदमी फिर ओपन करेगा मान लिया फिर भी नहीं ओपन हुआ तो फिर आप उसको कहो आज हमारा वेबिनार है हम आपको फ्री एंट्री देते हैं दिस वेबिनार इज पेड वेबिनार बट यू आर ऑफर्ड फ्री एंट्री एज एन स्पेशल गेस्ट वो आदमी फिर ओपन करेगा फिर भी नहीं ओपन करता तो फिर आप अगले पे जाओ और ऑफर दो उसको लिक्वरेटिव ऑफर तो जब तक आपके सिस्टम में वो पर्सन एज अ कस्टमर नहीं आ जाता तब तक आपकी ऑन सीरीज में आपके ऑफर्स उसको जाने चाहिए लिक्वरेटिव ऑफर्स और विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन अब आप देखेंगे आपका ईमेल ऑटोमेशन कितना परफेक्टली काम करता है बट दिस ऑन बोर्डिंग सीरीज इज पेड ऑप्शन इट हमको ऑटोमेटिकली पता चलता है वो कस्टमर कस्टमर बना बना कि हाँ, नहीं जब आपके ऑफर्स जा रहे हैं तो कस्टमर कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में रिप्लाई करेगा ना अच्छा आप हमेशा वहां या तो पेमेंट का लिंक भेज रहे हो या परचेज का लिंक भेज रहे हो जिस पर जब भी वो इन्फ्लुएंस हुआ या पर्सवेड हुआ

you have some lessons, you have some blogs and you want to send one part of it in one go, then you can create an education series here. So that is again a paid option. but single email you can send for free. Welcome email free. Then I'm creating now the welcome email, single welcome email, people trainers. Um, I have selected audience because I have only one audience so I have selected it. Now begin now it will give you some templates to create your email based upon your requirement just wait for a while yes now send to to whom new subscribed content immediately after they join people trainers or now this is called trigger immediately after one hour of their joining after six hour of their joining or after one day of their joining तो so इमीडिएटली आप सेलेक्टेड आप सेव्ड इट नाउ फ्रॉम विच ई मेल आई डी यू वॉन्ट टू सेंड इट विच नेम सो आम पुटिंग द नेम एंड विच ई मेल आई डी यू वॉन्ट टू पुट इन, यू कैन पुट एनी ई मेल आई डी आप कोई भी ई मेल आई डी चेंज कर सकते हो उस ईमेल आईडी से कोई जरूरी नहीं है जिस ईमेल आईडी से आपने अपना मेल चिंप अकाउंट बनाया है उसी से जाए यू कैन चेंज एनी ऑफ द ईमेल आई नाउ यू हैव सेलेक्टेड सेंडर ईमेल आईडी नाउ सब्जेक्ट वॉट सब्जेक्ट यू वॉन्ट टू पुट इन हे ग्रेट एक्शन ग्रेट एक्शन बाई thanks for joining people trainers this would be the subject line a subject line should be catching so that person get impressed by you it should be little uh, customized it should be little personalized in case you want to put the name of that person it, it is also possible you can do it also and we think you like it here

द uh, क्लास जो हम आज के बाद करेंगे उसमें हम यही करने वाले हैं कि मेल लिखा कैसे जाना चाहिए नाउ ये आपका टेम्पलेट है यहां इन दिस टेम्पलेट देर इज वन लॉगो ऑफ यूज लॉगो आपने जो पहले डाल दिया है वो है इसका साइज ऊपर नीचे कर सकते हो एंड दिस वुड बी द लैंग्वेज हाई इफ The, your system having the name of that person first name, then it will fetch first name of the person automatically. And if the name is not there, then it will leave it blank. Uh, leave it blank. It will just write hi there. And then it will write, "We are glad you are here. We will keep you in loop with our latest news and special offers." For more details, query, or support, please write back to us. We would be happy to serve you, sir. Serve you. Okay, so this we have made the body of it. Save and close. And सेव एंड कंटिन्यू फोटर में कुछ पॉइंटर का कैसे? उसमें मतलब क्या है? फोटर? Uh, फोटर में आपका जाएगा uh, आपका अनसब्सक्राइबर बटन जाता है फोटर में आपका एड्रेस जा सकता है इनकेस यू वॉन्ट टू सेंड इट वो जा सकता है फोटर में आप डिजाइन कर सकते हो ये फोटर यहाँ दिस वुड बी द प्रीव्यू ऑफ दिस ये नीचे फुटर जाएगा जिसमें आपके सोशल लिंक्स जाएंगे ट्विटर अकाउंट डाल सकते हो फेसबुक अकाउंट डाल सकते हो और कोई और लिंक रख सकते हो और कॉपी राइट टूटरेंगे तो वो, वो अपने पर जाकर अपना, मतलब uh, yes, absolutely, absolutely. Yes, it, आप अपने लिंक को आप कनेक्ट uh, कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया के साथ थैंक यू सर ओके ग्रेट नाउ देयर इज मेलिंग एड्रेस ड हियर इन केस यू वॉन्ट टू हाइड इट यू कैन हाइड इट यहां ये ऐसे फुटर जाएगा डेस्कटॉप पर इट विल डिस्प्ले लाइक दिस मोबाइल कैसे करेंगे आप मैं वो बताऊंगा फिर एक बार अभी आपको इनबॉक्स में इट विल लुक लाइक दिस

जस्ट ए मिनट मैंने इसको यहां डाल दिया आई कैन शो यू हेयर ई मेल वेयर इट इज ये आगे देखिए People trainers say test email. Hey, great action by you. Thanks for joining people trainers. And this is the test mail. That's why it has mentioned their test first name. Otherwise, if the name is there, then it will fetch the name of the person from the system. Because it's a test mail and the name is not there, that's why it, it has shown the variable part of it. Now you can see this will look like this wherein you can change the image you can change the logo you can change the background you can change these uh, social media uh, links and the footer so you can customize this whole in free version this mailchimp logo will go there and in paid version you will have an option to hide it to send or unsend it and this unsubscribe from the list this should go there so that is ethical thing

Uh, I already have one welcome email in my system and this will again replace that one. वन so, तो मैं ये नहीं करूंगा आप अपने सिस्टम पर ये कर सकते हैं अभी फिनिश लेटर में I am going to edit design और चेतन जी का जो क्वेश्चन था कि उसमें जाकर हम कैसे फोटर को एडिट कर सकते हैं यहां जाने के बाद चेतन जी अगर लिंक आपको चेंज करने हैं तो ये देखिए यहाँ ट्विटर अकाउंट पर जाकर आप अपना ट्विटर का लिंक रख दो फेसबुक पर जाकर आप अपना फेसबुक का लिंक रख दो वेबसाइट पर जाकर आप वेबसाइट का लिंक रख दें यहाँ मेलचिप लिखा हुआ है आप यहाँ पीपल ट्रेनर्स डॉट इन लिखेंगे या ट्रैकेट डॉट कॉम लिखेंगे तो वो उसी लिंक को वहां डिस्प्ले कर देगा यहाँ वाला जो ये वाला ब्लॉक है इसको अगर आपको एडिट करना है तो कॉपीराइट करेंट ईयर लिस्ट कंपनी वट यू वांट टू मेक इट

स्पेस ऑफ योर ओके सर थैंक यूड इन टू एडिटेबल विंडो ये देखिए और मीडिया वगैरह कुछ लिंक डालना है जैसे डालना है दो. आ, डाल सकते हैं आप आप लिंक रख सकते हो कोई भी लिंक आप बना के रख सकते हैं तो वहाँ लोगो ऐसा डालेंगे लोगो यहाँ डालना है ना ये लोगो वो वो हमारा पीपल ट्रेनर का है नीचे ट्विटर फेसबुक नहीं यहाँ जो लिंक डालना है ना आपको ये देखिए ये ये तीन यहाँ आपके पास ऑलरेडी इसने ऑप्शन दे रखे हैं एड अनदर सर्विस सर्विस पर जाके आप दूसरा सर्विस ऐड कर सकते हैं टेन सर्विस इन इज बुक डॉक ओके ठीक है ओके चलिए ग्रेट तो uh, sir, आई एम गोइंग अहेड uh, सर ऐसा फेसबुक का मेरा अलग ग्रुप है प्राइवेट तो वो ग्रुप में उन्हें मुझे डालना है तो वो भी वो उस लिंक उसे उसकी लिंक मुझे डालनी पड़ेगी ना वहाँ रख सकते हैं आप ओके okay. सर ग्रुप लिंक कैसे डाल सकते हैं जो भी लिंक आप क्रिएट कर सकते हो कहीं से भी इट्स जनरल थिंग अगर कोई ग्रुप लिंक आपके पास है जैसे व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक क्रिएट किया आपने सिंपल है उसको उठा के आप अपने जो मेन बॉडी कंटेंट बना रहे उसमें रख सकते हो ये जो नीचे ब्लॉक डाल रहे हो इन ब्लॉक्स में आपके सोशल मीडिया के जहां जहां लिंक हैं वो लिंक क्रिएट हो जाएंगे उसका लॉग इन डाल के और जो यहां नहीं आ सकता इस ब्लॉक में उसको आप मेन बॉडी में रख सकते हो एज ए लिंक हाँ okay, बट जाएंगे दोनों चलिए ग्रेट एड्स क्या है चार, चार नंबर एक दो थी. नहीं वो एक अलग चीज है अभी उधर नहीं जाएंगे बहुत लंबा है वो Okay, okay. तो वो कुछ अलग है तो अभी हम क्या करेंगे अभी हमारी तीनों चीजें क्लियर हो गई लैंडिंग पेज क्लियर हो गया ई मेल ऑटोमेशन क्लियर हो गया मेल मेल लिस्टिंग क्लियर हो गई चिंप अकाउंट में ये तीनों फ्री में हम कर सकते हैं नाउ आम क्लोजिंग दिस मेल चिंप अकाउंट बिकॉज इट हैज लिमिट ऑफ टू थाउजेंड ई मेल एंड टेन थाउजेंड ई मेल्स इन अंथ नाव आम गोइंग टू ऑप्शन इन ट इज अ पेड ऑप्शन उस पेड ऑप्शन में आप क्या काम कर सकते हैं सो दिस इज वन ऑप्शन दैट इज माई ई मेल सिस्टम सो दिस इज कॉल्ड सेंड फॉक्स सेंड फॉक्स इज द ओनली सिस्टम विच इज चीपर आई मीन इट इज वेरी इकोनॉमिक एंड आई है ऑफर सो आई है वेरी मच इकॉनमिक and you can have around 10000 contacts uh, 10000 contacts you can keep 10000 or 5000 uh, i don't remember so what's the limit for this but minimum 5000 are there and uh, unlimited emails you can send unlimited emails so that is the provision with you and i have created a lot of uh, campaigns you will see and

कि आपने एक एड बनाया और वो एड आपने लैंडिंग पेज पे चलाया व्हाट्सएप पे चलाया कहीं भी चला रहे हो आप बट बटके okay, okay. पर्पज एक ही है जैसे एक इलेक्शन का कैंपेन चलता है आप समझते हैं उनका okay. पर्पज एक ही है इलेक्शन जीतना और वो कैंपेन अलग अलग जगह हर तरीके से चलाते हैं तो ओके सर थैंक यू अभियान बोलते हैं हम हिंदी में इसको चलिए तो आई थिंक ये क्लियर हो गया इन दिस सिस्टम लैंडिंग पेज इज कॉल्ड स्मार्ट पेजेज द नेम इज लिटिल चेंज्ड बट द दर्पज इज सेम यहाँ स्मार्ट पेज ये मैंने कुछ स्मार्ट पेजेस क्रिएट किए एंड द सेम वे यहाँ स्मार्ट पेजेस क्रिएट कर सकते हो आप ये मैंने यहाँ लिख दिया है यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है फॉर्मेट इज डिफरेंट प्लेसमेंट इज लिटिल डिफरेंट कंटेंट इज बींग रिटर्न इन दिस वे एंड इनकेस यू वॉन्ट टू पुट इमेज सो यू हैव टू ऑप्शन लॉगो पुट योर नेम ऑन द टॉप and then you can put any image in it image and these two options are there. And the third option is form the form by which you are collecting the data from the people to whom you are displaying this. Uh, and there are some options, first name, last name and email IDs by default there. So you can uh, put this and now you can uh, you have to select the list of people, which category, which list you want to uh, put to collect the data of the people. So I have so many lists in my system. So I have selected landing page signups. And I saved it. And how this will look like? It will look like this. And it will collect first name, last name, email.

फॉर श्योर देयर मस्ट बी अ प्रोविजन फॉर दिस मेलचिम अकाउंट प्रोवाइड दिस प्रोविजन टू यू यहां जाकर अभी आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप, आप देखेंगे कि यू किसी ने क्लिक करके प्लीज फिल किया हो तो प्लीज फिल करके देखें एंड आई कैन सी यहां आप आ सकते हैं लैंडिंग पेज साइन अप में अभी दो है आप जल्दी से कोई एक नएम क्लिक कर दें तो यहां देखते हैं कि हाँ, क्लिक किया है सर ये आ गया अरिहंत इंश्योरेंस एट जी डॉट कॉम आ गया एक नाम अभी आ गया में। मैंने भी किया ना मैं वेबसाइट डिजाइनिंग आ गया मार्केटिंग यस जासू थ्री आया मेरा पहला अगर आपके यहाँ होगा तो यहाँ आएगा क्या फिर यस नहीं आएगा फिर नहीं आएगा वो सिस्टम में आपका नीचे होगा ओके रेडी होंगे अरिहंत इ uh, आप देखेंगे कि अब आप हमारे इस लिस्ट में आ गए यहाँ से आपको ऑटोमेशन जा सकता है ऑटोमेशन मेंज वॉट वो ही सेम यहाँ दो ई मेल आई डी है ऑटोमेशन में ये रनिंग है लैंडिंग पेज साइन अप है अनटाइटल्ड ऑटोमेशन सीरीज एक चल रही है ये वाओ wow. कॉन्ग्रेचुलेशन यू गॉट एन अपॉर्चुनिटू लर्न न्यू स्किल्स टू प्रमोट योर बिजनेस ऑनलाइन लेट्स स्टार्ट द जर्नी ये आपको एक ई मेल यहाँ आ गया होगा उसके बाद अब यहाँ देखेंगे द बुटी पार्ट ऑफ दिस इज दिस इज द ऑन बोर्डिंग काइंड ऑफ सीरीज ऑन बोर्डिंग मीन्स द फर्स्ट मेल वी दिस एंड द सेकेंड मेल विल बी दिस आफ्टर दैट ये ई मेल आपकी जा सकती है कितने दिन बाद जाएगी कैसे जाएगी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो कितना डिले करना है फिर उसके बाद एक और ईमेल आप ऐड करना चाहते हो फिर एक और ईमेल ऐड करना चाहते हो फिर एक और ईमेल ऐड करना चाहते हो देन यू कैन क्रिएट अ सीरीज ऑफ ई मेल्स टू सेंड टू दिस पर्टिकुलर लिस्ट द पीपल हु इन इन योर सिस्टम एज सब्सक्राइबर्स एंड दिस होल सीरीज विल स्टार्ट गोइंग टू दैम एंड इन द मैनर यू हैव क्रिएटेड इट तो ये ऑटोमेशन सीरीज यानी जो पेड और फ्री वर्जन में इतना सा डिफरेंस है कि एक मेजर डिफरेंस है यहां आप सीरीज क्रिएट कर सकते हो यू कैन क्रिएट अ सीरीज ऑफ ईमेल्स टू सेंड ऑटोमेटिकली आई थिंक ये क्लियर है ओके okay. यस yes. सर कभी-कभी हमें ईमेल भेजा भेजा जाता है और ईमेल भेजने के बाद मेरा अगर वेबिनार उस हर हफ्ते में दो बार है तो उसका गूगल अकाउंट पे भी गूगल कैलेंडर के ऊपर भी वो मेल सेव होता है वो कैसे होता है फिर? गूगल कैलेंडर पे सेव होता है। आ, तो गूगल कैलेंडर मुझे बताता है अभी आज हमारा क्लास है साढ़े बजे है तो पंद्रह मिनट पहले भी वो ई आता है या गूगल कैलेंडर भी बताता है यस यस गूगल जूम और मीटिंग का ऑप्शन है ना जिसमें आप, जिस आपका हाँ तो वो सिंपल है आप गूगल कैलेंडर पे जाके उसको वहां डिफाइन कर देंगे तो जूम इंटीग्रेट हो जाते हैं एक साथ आप कर सकते हैं उसको ओके ओके मुझे लगा ये ईमेल ऑटोमेशन से ही होता है क्या नहीं वो आप वहां से अलग है आप वहां एक बार ट्राई करके देखना प्रॉब्लम आए तो फिर मुझे एक बार रेफर कर देना ठीक है तो यहाँ तक अभी ये क्लास हमारी कंप्लीट होती है जिसमें यू हैव लर्न टू थिंग्स हाउ टू ऑपरेट वन ईमेल सिस्टम फॉर फ्री And if we are going in paid account, then what are provisions, what are facilities, what features are there, and how we can make it useful for our system, for our product, for our business promotion. So I think these two things have been clear to all of you in case you have queries so far. So I would be happy to answer all those. Please ask your questions now before going to the next lesson. मेलचिम्प ऑब्वियसली अच्छा है बट मेलचिम्प इज लिटिल कॉस्टली देन दिसम अगर आपको फिफ्टी डॉलर में मिल रहा है मेलचिम्प आपसे दस डॉलर या नौ डॉलर पर मंथ लेगा नाइन डॉलर पर मंथ थाउजेंड कॉन्टेक्ट आई थिंक एंड दिस इज गिविंग यू टेन थाउजेंड कॉन्टैक्ट फॉर लाइफ टाइम एंड अनलिमिटेड ई मेल्स वन ऑप्शन इज गुड टू स्टार्ट विद अभी स्टार्ट करने के लिए ये आपके लिए बहुत अच्छा है अगर 50 डॉलर देके आप एक साल भी इसको यूज कर सकते हो तो आपके लिए बिन विन सिचुएशन है विथ सेंट फॉक्स एंड इन केस यू आर सर जिसके पास टोटल डेटा है अगर समझिए 500 का या हजार का ही डेटा है हजार लोगों की उसकी टारगेट ऑडियंस है तो वो, वो और तीन चार दिन में एक मेल अगर सेट कर रहे हैं ऐसे महीने में अगर सात आठ हजार दस हजार है तो फिर वो मेल चिंप अच्छा है, ऐसे रहे हैं आप। पर दो ई मेल आई डी क्रिएट कर लो आप यानी दो हजार से नीचे है तब तो आप रखो तब तक तो आपको सोचना ही नहीं है जब तक और डेटा कौन सा रखना है आपको यहां एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सो आई एम गोइंग टू शेयर वन इंपॉर्टेंट थिंग सो डू नॉट फीड ऑल योर ईमेल आईडी आई विच यू हैव कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस एंड डिफरेंट सोर्सेज यू हैव परचेज इट फ्रॉम द मार्केट please do not send emails उन sab ko aapko is mailer system ke through email nahi bhejna nahi to aapki email reputation in the system will uh, will be really banished, it will get hampered so you put the virgin data you put the curated list aise logon ka data rakho jinhone kahin na kahin thoda bahut interest show kiya hai aapke system mein aapki services mein un logon ko convert kar sakte ho जो लाखों लोगों का डाटा आपने हो सकता है लिस्ट कहीं से परचेज कर लिए प्लीज उसको यहां से मत भेजना अदरवाइज वो लोग पैनिक होते जाएंगे और आपकी अनसब्सक्राइबर लिस्ट बढ़ती जाएगी और आपकी जो आ, रेपुटेशन है जो बैकएंड में आपको नहीं पता एक रेपुटेशन होती है ईमेल्स की वो आपकी वहां हैम्पर होगी तो आप क्यूरेटेड कांटेक्ट्स यहां रखें यानी जिन लोगों को फ्रीक्वेंटली आपको कम्युनिकेशन करना है उन लोगों को ईमेल ईमेलर सिस्टम से आप कनेक्ट करते जाओ तो शुरू में ऐसे लोग आपके पास पांच हजार ही होंगे जब तक वो दो हजार होते हैं तब तक यू कीप देम इन मेल मेलचिम्प अकाउंट एंड एज सून एज यू थिंक दैट द लिस्ट इज गोइंग बियॉन्ड टू थाउजेंड यू कैन क्रिएट टू मेल अकाउंट्स अकाउंट एंड इफ इट इज गोइंग बियॉन्ड फोर देन यू शुड परचेज चेतन जी आपने कोई क्वेश्चन पूछा सर, सर जैसे मेलचिम में, में हमारे जो डेटा है वो 2000 के समझो नजदीक नजदीक हो गए और वहां से हमको अगर डेटा एक्सपोर्ट करना है और ये ये वाला अकाउंट हमने 50 डॉलर में खरीदा है और यहाँ पर वो डेटा हमारा कैसे लेके आ सकते हैं हम लोग ताकि हमको डबल मेहनत ना करना पड़े वो वहां का पूरा हमारा एक बार डेटा बन चुका है डेटा no. उठा के यहाँ पे कैसे आ सकता है वंडरफुल क्वेश्चन सर मैं मैं आंसर दे रहा था उससे पहले हमारी और आपकी सोच मिलती है उस पर तो थैंक यू ये बहुत इजी से थिंग है कि जब 2000 का कॉन्टेक्ट वहां डेवलप हो गया उसको वहां से एक्सपोर्ट कर दो उस पर चार कॉलम ही एक्सपोर्ट होने हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ इफ इट इज देयर ई आईडी इफ इट इज देयर वो चारों कॉलम का डेटा वहां से एक्सपोर्ट हो जाएगा वो एक्सपोर्टेड फाइल को यहाँ इंपोर्ट कर दो इट इज अ हार्डली टू मिनट्स एक्सरसाइज लेकिन दोनों भी ये वहां पर एक फाइल का नाम लिखा हुआ था सीएसवी करके लिखा था हाँ तो यहाँ पे कौन से फॉर्मेट में आएगा यहाँ भी सी एस बी मिलेगा सी एस बी फॉर्मेट आई मीन ओमनी वर्किंग है वो सारे चैनल्स चैनल होती है बट अगर वो चार ही कॉलम है और अगर ये आपसे एक्सेल में या डिफरेंट फॉर्मेट में भी मांगता है तो भी आप उसका फॉर्मेट चेंज करके ला सकते हो क्योंकि वो बहुत स्ट्रक्चर्ड लिस्ट नहीं है सिर्फ चार या पांच कॉलम है सीएसबी विल बी अपेबल हियर ऑल्सो यहाँ भी सी एस पी ले सकते हो आप। इसका एक पार्ट है जैसे मैं अभी आपको रेफरल कैंपेन का मतलब है कि अगर आप सेंड फॉक्स को रेफर करोगे दूसरे लोगों को तो सेंड फॉक्स आपको जो टेन थाउजेंड कॉन्टेक्ट दे रहा है उसमें कुछ कॉन्टेक्ट और एड करता जाएगा अगर आपने अपने जो लैंडिंग uh, पेजेस और कैंपेन क्रिएट किए हैं उन कैंपेन में अगर सेंट फॉक्स का रेफरल नोट भेज रहे हो आप नीचे फुटर में तो और बहुत सारे लोग इससे ज्वाइन कर रहे हैं ओपन कर रहे हैं तो ये आपको क्या करेगा खुश होकर एक रिवॉर्ड देगा कि आप 1000 थाउजेंड कॉन्टेक्ट और ले सकते हो 10000 की बजाय आप उतने ही पैसे में 11000 हो जाएंगे आपके दैट इज द रेफरल कैंपेन ऑफ सेंट फॉक्स एंड सेकेंड थिंग जैसे मैंने uh, अभी सेंट फॉक्स लिया तो मुझे किसी ने रेफरल कोड भेजा था तो मुझे रेफरल कोड आया तो मुझे फाइव डॉलर सस्ता मिला किसी के रेफरल कोड से तो आई आई वॉज उतने सारे कॉन्टेक्ट ज्यादा रख सकते फाइव हंड्रेड कॉन्टेक्ट मिल गए तो अगर मैं आपको रेफरल कोड भेजूंगा तो मुझे फायदा होगा कि ये ग्यारह हजार की बजाय मुझे साढ़े ग्यारह हजार लोग के लिए पांच सौ कॉन्टेक्ट रखने की और परमिशन दे देगा ये मुझे अलाउ करेगा और आपको फायदा होगा कि आप कुछ डॉलर आपको कम पे करने पड़ेंगे तो ये एक है इसका। तो आपको, को तो आप आपको कोड भेज दूंगा उस से मुझे मिलेंगे और आपको कुछ पैसे कम देने पड़ेंगे तो ये रेफरल कंपेन है इनका बहुत होशियार है ये कंपनी uh, yes, है तो वी शुड गो अहेड लिस्ट में क्या है सर जीटैक्ट लिस्ट का लिस्ट में वही कॉन्टेक्ट ही है आपके ये जो लिस्ट बनाई है हमने अभी तक तो क्या था कि वहां जब हम बना रहे थे मेल चिंप में बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा यहाँ कॉन्टेक्ट में तो आपके सारे कॉन्टेक्ट हैं पांच सौ अठारह अब लिस्ट में मैंने क्या किया जो एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था सम क्वेश्चन डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट सर्विसेज डिफरेंट कैंपेन्स केस वी वांट टू सेग्रीगेट द पीपल देन हाउ वी कैन डू इट सो यू कैन क्रिएट योर लिस्ट अभी हमने क्या किया यहाँ अलग अलग लिस्ट बनाई ये देखिए लैंडिंग पेज साइन अप के लिए अलग है पीपल ट्रेनर अलग है पीपल ट्रेनर सारी लिस्ट है पूरी चार सौ पैंसठ लोगों की और लैंडिंग पेज की एक कैंपेन चलाई उसमें जो लोग आ रहे हैं वो अलग है एक लिस्ट में नाइन्टी नाइन लोग हैं दूसरी में नाइन्टी नाइन है अगर मुझे इन जो इस ये कैटेगरी है एक स्पेशल कैटेगरी है सिर्फ इन नाइन्टी नाइन लोगों को ही एक कैंपेन भेजनी है एक ईमेल भेजनी है तो मुझे कुछ भी नहीं करना जब मैं मेल भेजूंगा तब ये लिस्ट वन सेलेक्ट कर लूंगा या इस लिस्ट वन का नाम दे सकते हो आप तो अब अब आपके पास हो सकता है दस हजार कॉन्टेक्ट हो और उसमें से ऑनलाइन टीचिंग के कोर्स के लिए आप सौ लोगों को ही कुछ भेजना चाहते हो और दूसरे कोर्स के लिए आप दूसरे लोगों को कुछ भेजना चाहते हो तो आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी ना नहीं तो ये कैसे पता चलेगा इसको कि वो किस किस को भेजनी है तो ये अलग अलग लिस्ट बना देगा तो आप देखेंगे कि ये सौ लोगों की लिस्ट एक अलग बनी हुई है इन्हीं को अगर एक कैंपेन रन करनी है तो हम इन्हीं को एक ईमेल भेज देंगे या एक सीरीज इन्हीं लोगों के लिए स्पेशल बन जाएगी ओके एंड इन ऑटोमेशन आप ऑटोमेट कर सकते हैं उसको वो वैसे ही है जैसे हम वहां कर रहे थे ईमेल्स में आप ईमेल जितनी भी आज तक बनाई है आपने वो ये है ई है देखिए ये ईमेल है इतने लोगों ने इतना परसेंट लोगों ने ओपन किया इतने परसेंट लोगों ने क्लिक किया इतने लोगों को गई है 179 179 को चली गई, में से या थ्री परसेंट बाउंस हुई है या थ्री परसेंट बाउंस हुई है तो ये इसमें ज्यादा भी कर एडिट कर सकते है ना सर जी हाँ कलेक्ट कर सकते हैं ना ये यस 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 हिंदी में क्रिएट कर सकते हो आप क्रिएट ईमेल और हिंदी में आप लिख सकते हो यू कैन सर एक सर एक सवाल है जैसे हम लोग ए बी टेस्टिंग बोलते हैं कि जैसे हम लोग दो प्रकार के ईमेल अगर भेजे और उसमें से कौन से प्रकार के ईमेल पे रिस्पांस ज्यादा आ रहा है हुँ. कौन से प्रकार का ईमेल का आ, हमारा कस्टमर खोल रहा है हुँ. तो वो वो करने के लिए मुझे क्या करना होगा इसमें सिंपल दो ईमेल बनानी पड़ेंगी सर मतलब दो अलग अलग अकाउंट में करना पड़ेगा या एक ही अकाउंट में से ये मेरा होगा आप दो ईमेल क्रिएट करेंगे यहाँ ये यह सिर्फ लॉजिक है दो ईमेल क्रिएट करने के बाद ये जैस मान लिया आपके पास एक लैंडिंग पेज क्रिएट किया आपने एक लैंडिंग पेज क्रिएट किया उस लैंडिंग पेज पर आपने एक ईमेल रन की एक दूसरे लैंडिंग पेज पर सेम कंटेंट है कंटेंट का डिजाइन चेंज कर दिया आपने कंटेंट का डिजाइन चेंज कर दिया दो अलग अलग लैंडिंग पेज क्रिएट किए उन पर एक ही ईमेल लगा दिया आपने एक तरीका तो ये लैंडिंग पेज अलग है ईमेल एक ही है तो अब एक लैंडिंग पेज मतलब किस लैंडिंग पेज पर रेस्पॉन्स ज्यादा अच्छा आया ए बी टेस्टिंग हो गई आपके लैंडिंग पेज की अगर आपने सेम लैंडिंग पेज भेजा और आपने क्या किया उसी लैंडिंग पेज पर जो लोग आ रहे हैं ए बी टेस्टिंग किया कोई दो दिन में आपने ए ईमेल लगाई उस पर उसके अगले दो दिन में आपने बी ईमेल लगाई उस पर ए ईमेल में में सब्जेक्ट में कुछ और लिखा और बी ईमेल -E में सब्जेक्ट में कुछ और लिखा अब क्योंकि जब ई किसी को ड्रॉप हो रही है तो वो आदमी इन्फ्लुएंस होगा सिर्फ आपकी आ, सब्जेक्ट लाइन से पहले तो ए बी टेस्टिंग अगर आप सब्जेक्ट लाइन की कर रहे हो तो कितने लोगों ने ज्यादा भेजा उन दो दिनों में ये गया तो कौन से वाले ईमेल के सब्जेक्ट लाइन का रिस्पांस ज्यादा आया तो वो वाले को पकड़ोगे आप फिर ईमेल की बॉडी दोनों में अलग अलग रखी कौन सी बॉडी से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया वो देख सकते हो यानी दो ई अलग अलग आपको क्रिएट करनी है एक कैंपेन में एक ही कैंपेन में जिस ईमेल का ज्यादा अच्छा रिस्पांस आया उसको आप कंटिन्यू कर देंगे जिसका कम रिस्पांस आया उसको आप ऑप्सलेक्ट कर दोगे एबी टेस्टिंग है Uh, चले अब आगे बढ़े हम यस सर चलिए ग्रेट मैं अब ये आपके अकाउंट्स बंद कर रहा हूं सेंट फॉक्स मेल चिम्प नाउ वी आर गोइंग अहेड अब एक तीसरी बात आती है मुझे ना तो मेल चिंप लेना ना ही मुझे सेंट फॉक्स लेना आई एम वेरी सिंपल पर्सन आई वॉन्ट टू यूज माई एक्सल सीट सिंपली मैं अपनी एक्सल सीट से ईमेल भेजना चाहता हूं और मैं जनरल सी ईमेल क्रिएट करनी है मुझे और मैं भेजता रहूँ उससे बस इतना सा अगर मुझे चाहिए तो कोई मेल अकाउंट कोई फॉक्स uh, अकाउंट मुझे ज़रूरत नहीं है या मैं नहीं यूज कर सकता आई एम नॉट सो टेक्नो से भी एंड आई डोंट हैव सो मच टाइम टू डू इट देन यू सिंपली कैन डू इट वेरी ईजीएस्ट वे वॉट यू शुड डू यू जस्ट क्रिएट One Google form, one Google seat. Google seat is just like uh, Excel seat. Excel is uh, an application of Microsoft Office, wherein in Google G Suite, there is Google seat uh, and it serves the same purpose as we are having uh, in Excel.

और वहां से एक ऑटोमेशन शुरू होता है अब वो कैसे शुरू होगा सो दिस इज वन गूगल सीट मी और सबसे पहले शुरू करेंगे हम गूगल फॉर्म एक गूगल फॉर्म मैंने क्रिएट किया गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट होगा वो मैं आपको बिल्कुल शुरू से बता दूंगा पहले आप वर्किंग समझ लें इसकी हाउ इट वर्क मैंने गूगल फॉर्म क्रिएट किया मार्गदर्शन गुरु ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन लर्न ईमेल ऑटोमेशन फ्रॉम गूगल सीट यहाँ ईमेल एंड नेम मोबाइल नंबर प्रोफेशन ये मैंने इसका लिंक लिया और इसके लिंक को डू मैं सेंड करता हूं आपको कॉपी करता हूं इसको सिर्फ समझ लें अभी और मैं चैट बॉक्स में रख रहा हूं आई एम पुटिंग इट इन द चैट बॉक्स यू जस्ट प्लीज गो देयर एंड फिल दिस फॉर्म आप जाके अपनी तीन एंट्री प्लीज फिल कर दें वहां सो दैट आई कैन डेमॉन्स्ट्रेट यू हाउ इट वर्स आप भरें जल्दी से भरें तो मैं आपको नया आया व्हाट्सएप के ऊपर नहीं व्हाट्सएप नहीं मैंने चैट बॉक्स में लिखा है ओके ओके व्हाट्सएप में भी डाल दिया है। फिल करें अरिहंत इंश्योरेंस यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन अंत इंश्योरेंस को आ गया है उन्होंने फिल कर दिया महेंद्र नाइन एट सेवन फोर वन नाइन जीरो सेवन जीरो सिक्स एक एंट्री आ गई है बाकी किसी की है तो प्लीज जल्दी भर दें तो यस ट्रैकेट इंडिया आ गया संतोष जंगम आ गया जाशू थर्टी सेवन डॉट आ गया यस और बच्चे हैं। जल्दी फिल कर दो एक बार तो फिर हम आगे बढ़ते हैं बराबर बर हो गए ना सात तुम तुम पकड़ के आठ अभी आठ लोग अभी आठ नहीं हुए सर अरे सात होनी चाहिए मेरे दो हैं अच्छा आठ लोग हैं चलिए ठीक है जितना आ गया इट्स ओके okay. अभी मुझे क्या है मेरे पास ये लिस्ट है एंड आई टू सेंड एन ई मेल टू दीज पीपल जितने भी लोग ये मेरा पूरा लिस्टिंग है जिसमें बिना कोई पैसा खर्च किए दिस गूगल इज़ क्रिएटेड ऑन गूगल जी स्वीट एंड थ्रू दैट फॉर्म दिस फॉर्म लिंक यू कैन सेंड ये वाला फॉर्म का जो लिंक मैंने आपको भेजा अभी जो चैट बॉक्स में दिस सिंगल लाइन गूगल फॉर्म लिंक Can be added into your uh, online campaigns if you are running on WhatsApp, Telegram, Insta, Facebook, Twitter, Quora, everywhere, LinkedIn, wherever you are running your advertisement campaigns, promotional campaigns, you can put this Google form over there.

it will not go in the automatic way you have to make some manual efforts so how you will make manual efforts hi who is this mahendra hi mahendra happy to have you in our have you in the learning platform of Magdashanguru. guru The people trainers. we would be happy. To... Excel में एंटर मारने पर ये आपको नीचे वाले कॉलम में क्यों नहीं गया वहीं पे क्यों लिख रहा है कैसे, कैसे किया हो? हाँ वो मैंने कंट्रोल को प्रेस करके एंटर मारा तो वो वहीं करेगा जब भी आप कंट्रोल को एक उंगली से दबाकर आप एंटर मारोगे देन इट विल नॉट गो टू द नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट रो इट विल रिमेन विद देयर एंड इट विल मेक अ स्पेस ऑफ वन ब्लैंक लाइन ओके तो यहाँ आपने ये एक टेम्पलेट मान लिया ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है वेलकम ईमेल और यहाँ आपने इसको लिया तीन लोगों को कॉपी कर दिया हाई महिंद्रा अगर आप नाम नहीं लिखना चाहते तो सिर्फ हाय को कॉपी कर सकते हो अदरवाइज आप यहां से क्या करेंगे हाय चेतन हाय संतोष हाय जशमिना सिट ये आपका ईमेल की बॉडी रेडी हो गई यहां आप कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हो अब ये इतना इजी है बिकॉज इफ यू आर रनिंग अ कैंपेन पेड और फ्री

इन लोगों को अगर आप कस्टमाइज और पर्सनलाइज ईमेल भेजोगे तो ये आपको इम्पैक्टफुल बिजनेस दे सकते हैं इनके साथ जो इंटरेक्शन है वो आपका वन ऑन वन हो तो बहुत मजा आने वाला है तो अब कौन महेंद्र है कौन चेतन है कौन संतोष है कौन जैसमिना है किस दिन उन्होंने किस कैंपेन पे आए आपके माइंड में भी ये चीजें रजिस्टर हो रही हैं और जब तक ये लोग ये लिस्ट आपकी धीरे धीरे ग्रो होती है टिल द टाइम योर लिस्ट गेट्स ग्रो स्लोली देन यू शुड डू Your work manually. तो यहाँ आपने आपके पास टेम्पलेट क्रिएटेड है ऑलरेडी आपने वो टेम्पलेट यहाँ कॉपी मारना है यू नीड नॉट टू डू नीड नॉट टू राइट दिन लिखना यहाँ आप हाई द नेम आप लोगों का रख सकते हो इसको फॉर्मुलेट भी करना है तो नेम भी फॉर्मुलेट हो जाता है उसके लिए प्रोग्रामिंग ज्यादा करनी पड़ती है तो अभी मैं कहूँगा उसको मैनुअल कर लो यहाँ तक बहुत सिंपल है सबको समझ में आ गया यस सर क्रिएट अब इनको ईमेल भेजना है मुझे इन वन गो एक गो में मैं इनको ईमेल भेजूंगा कैसे मुझे जाना है टूल में आई हैव टू गो टू स्क्रिप्ट एडिटर और मुझे यहां एक रन बटन दबाना है बस जस्ट से वेट फॉर ए मिनट यहां मुझे रन बटन दबाना है एंड नाउ विल सी दैट यू विल बी गेटिंग एन ई इन योर इनबॉक्स आप देखेंगे आपके इनबॉक्स में एक ईमेल आ गया होगा मेरे को आ गया ये आ गया क्योंकि मेरे को सिर्फ हेलो लिखा था तो हेलो आ गया आप देखेंगे आपके लिए आपके पास भी आ गया होगा अपने इनबॉक्स चेक करें प्लीज नहीं कोई बात नहीं फोर्टी फाइव मिनट्स में आ जाएगा मुझे आ गया है ग्यारह चौबीस पे मुझे लैंड हुआ है मेरे दूसरे वाले ईमेल आईडी को वो ब्लॉक कर दिया है कि उसमें बहुत सारे भेजे हैं तो वो मुझे बता दिया कि एक ईमेल आईडी में ब्लॉक हुआ है दूसरे ईमेल आईडी आई डी को डिलीवर हुआ है और किस किस को ब्लॉक हुआ है बस एक ही ईमेल आईडी पर ब्लॉक हुआ है वो ये ब्लॉक क्यों होता है हाँ वो मेरी ई मेल आई मैं सुबह से उसमें कई मेल कर चुका हूँ तो सेम ई मेल से जब बार बार ई जा रहा है तो वो उसको प्रमोशनल समझता है तो वहां ब्लॉक कर देगा उसको या स्पैम में खड़ा कर देगा ले जाके तो देखिए किसी को आया चलिए आ जाए तब बताना तो ये आपको सबको ईमेल चला गया अब ये इतना सिंपल जी हेलो हलो इट ठीक है आपको मिल गया तो ये फोर्टी फाइव मिनट्स में चला जाता है फोर्टी फाइव मिनट्स कौन टाइम लेता है आपका ई लेता है गूगल का गूगल की जो ईमेल है समटाइम्स इट गेट्स डिलीवर्ड लेट एंड इट माइट टेक 45 मिनट्स टाइम तो यहां से कुछ नहीं करना आपको सिंपल ये दस लाइन का आपका एक कोड है ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है यस yes, महेंद्र वापना जी को मिल गया है ग्रेट और यही वो फ्री सॉफ्टवेयर था जिसकी हम बात कर रहे थे ये कोडिंग है और इसको बहुत सिंपल फॉर्म में मैं आपको ये फॉरवर्ड कर रहा हूं और इस कोडिंग को कैसे यूज करना है आपको एक नई गूगल सीट बनानी है मैं आपको ये वाली सीट का लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा जिसमें ये गूगल मैं आपको ये लिंक फॉरवर्ड कर देता हूं ये गूगल सीट आप वहां से ओपन कर सकते हो प्लस आपको मैं नॉर्मल एक्सेल पे नहीं बनेगा ना मतलब गूगल डॉट गूगल डॉक फॉर्म पे जाके ये... हाँ मैं अब इसको बिल्कुल आ, बिल्कुल शुरू से बताता हूं ये एक्सेल पे नहीं काम करेगा क्योंकि एक्सेल ऑफलाइन काम करता है आपके सिस्टम पर अगर इंटरनेट नहीं भी है तो भी एक्सेल काम करेगा वो ऑफलाइन एप्लीकेशन है एंड गूगल सीट इज ऑनलाइन एप्लीकेशन इट इज जस्ट एग्जैक्ट एग्जैक्ट दैट एक्सेल एक्सेल का ही काम है बट इसका सारा डेटा आपके क्लाउड में स्टोर होता है आपकी गूगल ड्राइव में स्टोर होता है आपके कंप्यूटर पर स्टोर नहीं होता प्रिंस अरोरा जी का आ गया आ, प्रिंस अरोरा जी ने भी रजिस्टर कर दिया है ये डेटा आपके पास यहाँ फिल होता रहेगा अब इतना सिंपल है कि आपको क्या करना है सिंपल जैसे मैं आपके लिए अभी ये काम करके किसी एक आदमी के लिए करके बताता हूँ कि आपको क्या करना है ये आपका अकाउंट है आपने जीमेल में लॉग इन किया हुआ है नाउ आई एम गोइंग फ्रॉम स्क्रैच बिल्कुल शुरू से जा रहा हूं यहां गूगल फॉर्म सिर्फ गूगल फॉर्म टाइप करो गो टू गूगल फॉर्म गो टू गूगल फॉर्म पर्सनल बिजनेस में क्या फर्क पड़ता है सर वो आपका बिजनेस वाला गूगल फॉर्म लेना पड़ता है पैसे दे वो बिजनेस पर्पजेस एडवांस हो जाता है पर आपको जरूरत नहीं है बिल्कुल जरूरत नहीं है नाउ टेक न्यू या तो बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं यू कैन टेक एनी टेम्पलेट अदरवाइज यू कैन हैव अ न्यू वन अब यहाँ नए में क्या करना है आपको चेतन जी मुझे बताएंगे प्लीज आप अपने फॉर्म का नेम ट्रैकेट टी आर मल्टीवें प्राइवेट लिमिटेड मल्टी ही लिखता हूं आ, तो है डिस्क्रिप्शन है लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस प्रोवाइडर एंड इनोवेटिव सोल्यूशन प्रोवाइडर्स लॉजिस्टिक्स लॉजिस्टिक्स में आप इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं ये है अब आपको ये गूगल फॉर्म रन करना है तो यहां से गूगल फॉर्म बनाए एक क्वेश्चन लिया आपने जिससे भी आपको लेना है नाम लेंगे आप और उसके बाद एक क्वेश्चन ऐड कर लेंगे नेम phone number in case you want to take email ID okay and why you want to uh, connect with us any reason? <clears throat> so I'm just putting one question yaha गूगल फॉर्म क्रिएट किया इन सारे क्वेश्चंस को आप मैंडेटरी कर सकते हो जिन क्वेश्चंस को आप मैंडेटरी फिल कराना चाहते हो सो यहाँ मैंडेट कर दिया आपने बिना इसको फिल किए वो आगे नहीं जाएगा ये मैंडेट कर दिया और जो आप ऑप्शनल छोड़ना चाहते हो उसको आप ऑप्शनल छोड़ दें आदमी चाहे तो भरे नहीं तो नहीं भरे यहाँ हो गया ये चार क्वेश्चंस मैंने दे दिए अगर आपको इसको डिजाइन करना है इसमें फोटो फाटो डालनी है तो आप डिजाइन कर सकते हो खूब इसके डिजाइन्स बन सकते हैं थीम आ, को आपको चेंज करना है तो आप थीम चेंज कर सकते हो कलर चेंज कर सकते हो आपको अगर हेडर इमेज डालनी है तो आप लॉजिस्टिक की हेडर इमेज डाल सकते हो uh, कोई भी लॉजिस्टिक 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 कम ऑन आई नॉट गेटिंग इट वर्क एंड स्कूल बर्थडे फूड पास वेडिंग स्पोर्ट्स एंड गेम्स नो एम नॉट गेटिंग इट सो जस्ट Whatever I have, I'm inserting it as an example. एग्जाम्पल बस बाकी आप इसकी जगह कुछ भी डाल सकते हो ये आपका बड़ा अट्रैक्टिव सा बन गया इसको आपने क्या किया प्रीव्यू देखा हाउ इट विल लुक लाइक ये ऐसे दिखाई देगा वंडरफुल बड़ा अच्छा लग रहा है चलिए अब इसके बाद मैंने क्या करना है यहां अब मैं इसको आपको भेजता हूं प्रीव्यू देख लिया अब मैं आपको सेंड करता हूं सेंड करने के लिए यहां से लिंक लूंगा लिंक को मैं शॉर्ट कर दूंगा ताकि बहुत लंबा नहीं हो इससे भी और शॉर्ट करना है तो बिटली पर जाके शॉर्ट कर सकते हैं इसको मैंने लिया लेने के बाद मैंने आपके व्हाट्सअप ग्रुप में रखा और मैं आपके इसके चैट बॉक्स में भी रख देता हूं जहां नहीं समझ में आए आई एम गोइंग लिटिल फास्ट इनकेस यू थिंक दैट यू आर नॉट एबल टू टेक इट

जी स्वीट में डब्ल्यू को आप डिसेबल कर दो थोड़ी देर के लिए वो सीधे ले जाएगा फिर आपको WX. हाँ तो आप जल्दी से कोई इन्फॉर्मेशन फिल कर दें मेरे पास दो इन्फॉर्मेशन आ चुकी हैं चेतन जी यहाँ दो रेस्पॉन्स आपके आ गए हैं मैं रेस्पॉन्स पे जाता हूँ आपके रेस्पॉन्ज सिस्टम में यहाँ दिखाई दे रहे हैं महेंद्र जी ने भर दिया अट्रैकेट मल्टीवेंचर ने भर दिया सारा इंफॉर्मेशन मेरे पास यहाँ अवेलेबल है नाव

गूगल ड्राइव इन क्लाउड आपका सिस्टम बंद है कोई फर्क नहीं पड़ता आपके ड्राइव पर सेव हो रहा है और आप जब चाहें तब इसको एक्सेस कर सकते हो ये आपका गूगल सीट में डेटा मिल गया अब मुझे इसको क्या करना है मैं बहुत सिंपल क्या करूँगा यहां मैंने सबसे पहले ईमेल आईडी को ले आऊंगा इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ ईमेल आईडी को ले आया उसके बाद मैं क्या करूंगा नेम को ले आऊंगा नहीं नेम भी नहीं लाना अभी मुझे ईमेल आईडी लाए उसके बाद मैंने दो कॉलम फॉर्म में आपको तो सेट करना पड़ेगा ना ईमेल कंपलसरी तो वो फर्स्ट में आएगा हाँ वो फर्स्ट में आ सकता है वो आप कर सकते हो कस्टमाइज यहाँ डाल दिया और यहाँ मैसेज सब्जेक्ट दो कॉलम मैंने यहाँ डाल दिए और ईमेल हो गया सब्जेक्ट हो गया मैसेज हो गया नाम पांचवे पे चला गया टाइम स्टैम्प हो गई ये आपका फॉर्म बन गया अब यहां लाकर आप देखेंगे कि अभी मेरी स्क्रिप्ट एडिटर जो है पूरा ब्लैंक पड़ा है इसमें कुछ नहीं है खाली पड़ा है तो जो आ, मैं आपको ये कोडिंग भेजूंगा ये कोडिंग आपको क्या करना है यहां लाके सेव कर देनी है मैं मेरे उस पुराने सिस्टम में जा रहा हूं वहां से ये कोडिंग लाऊंगा कोडिंग कहा मिलेगी मैं भेज रहा हूं आपको मैं आपको WhatsApp ग्रुप में भेज दूंगा इसको उठा के सिर्फ आपको पेस्ट करना है कुछ नहीं करना ईमेल एड्रेस सब्जेक्ट मैसेज और यहां इस कोडिंग को मैं पेस्ट कर दूंगा इसको मैं सेव कर दूंगा दैट्स इट इसका नेम लिखूंगा ट्रैकेट मैं मेरे पास कोड है ये जो मैं दे रहा हूं मैंने आपको कहा था ना मैं एक फ्री आपको कुछ एप्लीकेशन दूंगा जिस इस कोर्स के साथ आपको बताया होगा तो ना? ये आपको, ये आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये आ, बेसिक दस लाइन है ये दस क्या उन्नीस लाइन है इसको स्ट्रक्चर्ड आप जितना चाहे बना सकते हो अगर आपको कोडिंग आती हो नहीं भी आती हो तो ये बेसिक तो आप काम कर ही सकते हो और अब ये आपके ट्रैकेट पे आ गए अब यहां आप देखेंगे मैंने यहां पहले कॉलम को ईमेल एड्रेस बना दिया आईडी लिखा था उसकी जगह आईडी की जगह एड्रेस लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरे में सब्जेक्ट तीसरे में मैसेज बाकी जो पढ़ा है चलता रहेगा अब आप में से कोई भी इसको फिल करेगा तो टाइम स्टैम्प वही जाएगा नाम वही जाएगा ई मेल अपनी जगह पर ही जाएगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा जहां जाएगा बस मैंने सीट को थोड़ा सा फॉर्मुलेट कर लिया यहां मैंने हाय लिखा हाय महेंद्रा हेलो वेलकम टू ट्रैकेट हाय चेतन और इसको यहां कॉपी कर दिया ठीक है अब यहां गए सीधे अभी आपका तैयार हो गया गूगल फॉर्म भी तैयार हो गया है गूगल सीट भी रेडी हो गई है आपकी एप्लीकेशन भी आ गई है जब भी आपको इसको ऑन करना है स्क्रिप्ट एडिटर में गए यहां जाकर आ, एक सेकंड आपने वेट करना होगा जब तक ये यह, यहां जाके रन कर देना है बस इसको यहां एक बार ये परमिशन मांगेगा रिव्यू परमिशन तो परमिशन के लिए कौन सी ईमेल आईडी को आप इसमें यूज करोगे उस ईमेल आईडी से यहां परमिशन दे दी आपने एडवांस गो टू ट्रैक इट अलाउ अब आपने जी शूट में परमिशन दे दी कि आपकी ईमेल आईडी से ये ईमेल भेज सके आप देखेंगे कि आप दोनों को ईमेल आ गई है आपके सिस्टम में Sir, that means इसके लिए अकाउंट होना भी जरूरी है उसके लिए जी शूट अकाउंट बनाना आपको आ, मतलब अगर जी मेल की आई है आपके पास तो बाई डिफॉल्ट आपके पास है अगर जीमेल की कोई आईडी आपके पास है सर तो बाई डिफॉल्ट आपके पास वो अकाउंट है और आप जाके उसे एक्सेस कर सकते हो उसको कोई अलग से अकाउंट लेने की जरूरत नहीं है इन केस, यू वॉन्ट टू सेंड योर ई थ्रू गूगल सीट बट यू वॉन्ट टू सेंड ई मेल्स थ्रू अ प्रोफेशनल आई डी नॉट द फ्री आई डी देन यू शुड परचेज एन ई मेल आई डी और वट एवर ई मेल यू हैव ऑलरेडी विद यू दैट ई मेल कैन बी ब्रॉट इन द जी मेल जी सूट सिस्टम पंद्रह सौ रुपये साल के लगते हैं मतलब एक सौ पच्चीस रुपये महीने का है उसमें पंद्रह सौ ई मेल रोज भेजने की परमिशन वो आपको दे देता है तो आप जैसे इन्फो एट द रेट पीपल ट्रेनर्स डॉट इन है वो मेरी ई मेल आई डी वो ई मेल आई डी मेरी गोडाडी से परचेज की मैंने और मैं उसको जी सूट में ले आया मैंने जी सूट के अकाउंट पर कन्फिगर कर दिया अब मेरा जी सूट मेरे को पंद्रह सौ ई मेल्स एक दिन में भेजने की परमिशन देता है तो सामने वाले को यह भी नहीं पता चलेगा कि फ्री ईमेल आईडी से आ रहा है आप प्रोफेशनल आईडी से भेज रहे हैं बट आप जी सूट से भेज रहे हैं मेल आ चुका है मैंने क्या डाल दिए जी व्हाट्सएप पे डाल दिए मेल आ गया है मैंने व्हाट्सएप पे डाल दिए यस जस्ट अ मिनट हां ये आ गया हेलो वेलकम टू ट्रैक इट यस ग्रेट तो ये बहुत सिंपल सिस्टम है टू स्टार्ट विद इन केस यू

उनको आपने कस्टमाइज करके ईमेल निकाल देना है दैट इज सिंपल आई थिंक इसमें किसी के कुछ क्वेश्चंस हों तो आप पूछ सकते हैं अब यहीं से एक और बेनिफिट यह है कि ये यह यहां फोन नंबर भी आपके यहीं बनते जा रहे हैं अब कल को अगर आपको वाट्सअप भेजना है इन लोगों को तो हम वाले कोर्स में इस, इसी चीज को सिखाते हैं आगे कि यहीं से आप अपनी व्हाट्सएप कैंपेन रन कर सकते हो इसी एक सीट से इसी सीट को आप मल्टीपल कैंपेन क्रिएशन सीट बना सकते हो लोग आपके पास आते जा रहे हैं और भले ही आप इसी गूगल फॉर्म को गूगल फॉर्म के लिंक को आप अपने व्हाट्सएप कैंपेन पर भी चला दो टेलीग्राम कैंपेन पर चला दो फेसबुक कैंपेन पर चला दो ईमेल पर चला दो जहां जहां भी चलाओगे वहां से डेटा यहां आता जा रहा है अब इन्हीं लोगों को आप ईमेल पे भी कैंपेन चला सकते हो इन्हीं लोगों को आप व्हाट्सएप पे भी कैंपेन चला सकते हो इन्हीं लोगों को आप अपने एस एम पर भी कैंपेन चला सकते हो तो ये तीनों काम आपके यहीं से हो सकते हैं प्लीज होल्ड फॉर अ वाइल आई एम टेकिंग अ कॉल आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ क्लियर हो गया है कोई क्वेश्चन कोई क्वेरीज हो इसमें एक बार वो फॉर्मूला आपने कहा से कहा थोड़ा सा एक बार क्लियर कर पाए तो हाँ, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ सर अब ये जो गूगल सीट बनाओगे मैं वो फॉर्मूला आपके व्हाट्सएप में भेज देता हूँ ये फॉर्मूला okay. मैंने व्हाट्सएप में डाल दिया हाँ दिस इज द फ्री uh, ईमेल ऑटोमेशन कोडिंग ये स्क्रिप्ट है ये सिंपल फॉर्म है इसका इसके एडवांस फॉर्म भी होते हैं बट आप इस सिंपल फॉर्म के साथ स्टार्ट करें और फिर आप इसे एडवांस करते जाएंगे अगर जरूरत पड़े जहां जहां अब ये मैंने इसको करना कहाँ है जब भी आप गूगल सीट किसी भी गूगल सीट में आप ये काम कर सकते हो जब भी गूगल सीट ओपन करोगे अगर उस गूगल सीट में कोई भी ऑटोमेशन लगाना है कोई एप्लीकेशन को ऑटोमेट करना है तो आपको क्या करना है वहां जाकर टूल्स में गए, स्क्रिप्ट एडिटर में गए और वहां जाकर उस फॉर्मूले को आपने लिख दिया उस फॉर्मूले की कोडिंग यहां बहुत सारे एन नंबर ऑफ कोडिंग्स होती हैं। तो ये एक एप्लीकेशन है जो सिर्फ 19 लाइन का है ये एजिटेज आपको रखना है आप अगर दस मिनट इस इसपे लगाओगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ से कैसे उठा रहा है तो आप उसे और कस्टमाइज करना है तो कर सकते हो मतलब चार पांच कमांड है एक सीट है स्टार्ट रो है नम रो है डेटा रेंज है डेटा है मैसेज सब्जेक्ट ईमेल एड्रेस ये आठ वेरिएबल है इन आठ वेरिएबल्स में क्या क्या काम होता है आप दस मिनट में समझ जाओगे और अगर जरूरत पड़े कस्टमाइज करने की एडवांस करने की तो आप इसे कर सकते हो नहीं तो एज इट इज आप यूज कर सकते हो थिंक अब क्लियर है इज देअर एनी क्वेश्चन प्लीज आउट ऑफ दीज थ्री एप्लीकेशन इनकेस यू हैव एनी क्वेश्चन एंड आफ्टर टूडे आर क्लास विल है आई थिंक ऑन नाइन्थ सेवंथ दिस विल नॉट हैपन यू स्टार्ट यूजिंग दिस यू स्टार्ट यूजिंग मेलचिम यू स्टार्ट द ट्रायल वर्जन ऑफ सैंडफॉक्स you start using this uh, google seat and uh, daily do some exercise in it in case you have any question or you stuck somewhere put your query in the chat box uh, put your query in the uh, whatsapp account so now i'll uh, i'll be answering this in case you require telephonic support then you can call me between 10 to 12 so, I would be available tomorrow, but day after tomorrow, I would not be available. That day, there is a marriage in my family. So, that day, I would not be on 7th. But uh, then, after I will be available on 9th, we would be joining again to learn some techniques, some secrets, how to write good emails, responsive emails, how we should send emails so that it should not go in the spam folder, and what other features are there.

तो ये ईमेल कैसे भेजते हैं लोग पहले पांच घंटे पहले भेजता है पंद्रह मिनट पांच मिनट पहले ईमेल आता है हाँ एक्चुअली ये जो ये ट्रिगर लगाते हो ना ईमेल का ट्रिगर जाता है ईमेल का कर... मेल चिप में है क्या फिर मेल चिप में टाइम यानी मैंने बुधवार करके रखना हेलो जी बुधवार में है सर शेड्यूल करके रखने का शेड्यूल का है आप शेड्यूल कर, सक... कर सकते हो शेड्यूल कर सकते हो दिखाओ जरा एक मिनट ओपन कर सकते हैं क्या मेलचिप डॉट कॉम मेलचिप में होगा तो सेंट पॉक्स में भी होगा हाँ सब जगह होगा

आ, तो आप कैम्पेनिंग बनता है ना कैम्पेनिंग में सेंड करने का जो ऑप्शन है ना वो सेंड के साथ में शेड्यूल भी है एक मिनट मैं जा रहा हूँ उधर ही ऑटोमेटेड पर हाँ ऑटोमेटेड एक तो एक घंटा पहले आधा घंटा पहले और पंद्रह मिनट पहले ऐसे तीन ईमेल जाने चाहिए ओके क्या नहीं है जहाँ तक मैंने देखा था उसमें वाली ईमेल का ही शेड्यूलिंग था नहीं इसमें इसके पेड वर्जन में होता है सर आप नॉर्मल मेल का कैंपेनिंग नॉर्मल मेल का ईमेल बनाते हैं ना उसमें आता है आपका नॉर्मल ईमेल का कैंपेनिंग जो बना रहे हैं ना उसमें सेंड करने के पहले स्टार्ट कर सेंड नाउ करके है और एक शेड्यूल करके जो आप जनरल ईमेल बना रहे हैं ना उसमें एक मिनट एक मिनट सुनो हम्म यहाँ नहीं है कैलेंडर व्यू में क्या है एक मिनट कैलेंडर व्यू में तो आपने कब भेजा वो है कैलेंडर व्यू में आपने क्या प्लान किया हुआ है ओके ओके कल ऑफिस ऑफिस में कल जाऊंगा ना

सब मेरे कस्टमर को, को तो अच्छा होगा ना वो हाँ सबको होगा रादर वो मैं जो यूज करता हूँ वो मेरा वेबसाइट जो हमारा है बिक्स वाला वहां वेबसाइट इशू कर देता है हमारा वो ईमेल तो उसमें तो वो प्रोविजन है तो इसलिए मुझे यहाँ से जरूरत नहीं पड़ती चलिए मैं फिर भी इस पे आर एन डी करके आपको जरूर आई गेट बैक टू यू ओके गुड क्वेश्चन गुड क्वेश्चन चलिए और कोई क्वेश्चन है और ये मेल चिप में और क्या क्या फैसिलिटी है वो नहीं बताई नहीं मेल चिंप में ईमेल ऑटोमेशन की ये जो फैसिलिटी है इन फैसिलिटीज़ को आप पहले पूरा यूज करें ये कोर्स के सिलेबस में इतना है उसके अलावा मेल चिंप में आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हो आप यहाँ देखेंगे क्रिएट पर जाने के बाद अभी तक मैंने ईमेल बताया ईमेल टेम्पलेट बताया लैंडिंग पेज बताया अब इसमें आपके सात ऑप्शन और हैं आप यहां पर क्या डिज़ाइन कर सकते हो सर्वे क्रिएट कर सकते हो मल्टी चैनल डिज़ाइन कर सकते हो कस्टमर जर्नी डिजाइन कर सकते हो ये मेल चिम के एडिशनल फीचर हैं एड क्रिएट कर सकते हो सोशल पोस्ट क्रिएट कर सकते हो ये सारी चीज़ें मेल चिम्प के एडिशनल फीचर हैं आप इनको वहां जाकर क्लिक करके यूज करें सीखें आप इसे एडवांसमेंट ले सकते हो पर अगर अभी इस सब चीज़ों को एक साथ सीखोगे तो आप उलझ जाओगे पहले उसका वो तीन पार्ट यूज करके उन्हें परफेक्ट कर लें कर लें और उसके अलावा ये जो एसोसिएट पार्ट है उसके आप इन्हें डायरेक्ट जैसे डिजाइन करना है है तो वो करने देता है। कोई सर्वे आपको कंडक्ट करनी है मेल चिंप करने मल्टी चैनल डिजाइन करना है तो आप मल्टी चैनल डिजाइन कर सकते हो यानी यहीं से एड क्रिएट की और यहीं से आपको फेसबुक पर चलाना है तो वो यहीं से फेसबुक पर चलवा देगा आपको ये मल्टी चैनल है ठीक है कस्टमर जर्नी बनानी है आपको वो आप यहाँ कस्टमर जर्नी बना सकते हो तो ये फीचर्स इसके हैं ओके ओके चलिए आई थिंक आज की क्लास बहुत इनोवेटिव रही मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी क्लास थी आज और आपके हिसाब से आप बता सकते हैं धन्यवाद सर बहुत अच्छा ज्ञान मिला आज थैंक यू थैंक यू जी थैंक यू थैंक यू ओके जी ओके बाय ओके अभी शाम को भी एक क्लास है सर शाम ओ, नहीं बारह दस पे है कौन सी क्लास उसकी है ऑनलाइन टीचिंग की परसों नहीं हूँ तो मैंने डाला था उसमें तो अगर लोग रेडी होंगे तो मैं जरूर ले लूंगा उसमें लोगों के रिस्पॉन्सम्बर सेवन दिसंबर को हाँ, हाँ, सात को मैं नहीं हूँ तो आज ले सकता हूँ अगर उसमें रिस्पॉन्स आए हैं तो मैं जरूर ले लूंगा आठ से नौ बजे तक ले 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 लो सर ठीक है ठीक है तो मैं देख लेता हूँ उसमें तो तीन दिन आप नहीं है सोमवार मंगलवार बुध मैं सात और आठ को नहीं हूँ कल और परसों ओके 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 हाँ। ओके ओके जी, ओके बाय बाय जी थैंक यू रिकॉर्डिंग भेजो जरूर अभी